वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दर्शन करांगे गुरद्वारा शहीदां साहब, गुरद्वारा रामसर साहब अते गुरद्वारा श्री मंजी साहब, श्री अमृतसर साहब। सिख कौम के महान जरनैल अते अणखीले योधे बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी नूं माता जीवनी जी अते पिता भाई भगता जी दे घर होया। आप जद 18 साल के होए तो परिवार नाल श्री आनंदपुर साहिब पुजे। आप जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह कोलों पवित्र अमृत की दात प्राप्त की। फिर आप गुरु पिता जी कोल ही रहे। आप जी ने गुरमुखी, फारसी ते अरबी विच निपुणता हासिल की। बाबा दीप सिंह जी ने शस्त्र विद्या, घोड़सवारी अते तलवारबाजी की महारत हासिल की। आप जी भाई मनी सिंह जी की देखरेख हेठ पवित्र धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे अते पक्के इरादे अते भजन बंदगी विच लीन धार्मिक वृत्ति वाले महापुरश धन धन बाबा दीप सिंह जी दे इस पवित्र अस्थान दे तुसीं दर्शन कर रहे हो। सूरा सो पहचानी है जो डरे दीन के हेठ, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। श्री अमृतसर साहब विच गुरद्वारा शहीदां साहब के नाम तो जाणिया जाता एक पवित्र अस्थान। इत्थे संगतां देशां विदेशां विचों दर्शन करन आउंदियां हन। इह कड़ा प्रसाद दे काउंटर हन। इत्थों असीं कड़ा प्रसाद की देग प्राप्त करते हाँ। इस स्थान ते कड़ा प्रसाद की देग नूं भोग लगाया जाता है। चलते हाँ गुरद्वारा साहिब के अंदर दर्शन कर रहे हाँ पवित्र अस्थान धन धन बाबा दीप सिंह जी। इस स्थान ते हर समय कीर्तन चलता रहता है। इस स्थान ते अनेक प्रकार दीयां बाणियां दे गुटका साहब मिलणगे। ये जगह है बाबा जोत सिंह जी दी। इस दे नाल ही पौड़ियां चढ़ के असीं पहुँचते हाँ लंगर हाल दे विच। लंगर हाल की व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत है। इत्थे संगतां बहुत ही प्यार नाल बैठ के लंगर प्रसादा छकदियां हन। धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद। इस स्थान ते बाबा बोता सिंह जी ते बाबा गरजा सिंह जी दा शहीदी स्थान है। संगतां दे निवास वास्ते ये सुंदर निवास स्थान बनिया होया है। अफगाना नाल युद्ध विच बाबा दीप सिंह जी 8 शेर दा 2 धारी खंडा खड़काउंदे वैरियां दे आहू लाउंदे इस स्थान ते पहुंचे। जमाल खान नाल लड़ाई विच बाबा जी दा शीश धर नालों अलग हो गया। जद बाबा जी डिगण लगे तां एक सिंह ने कहा, बाबा जी तुसीं तां अरदास कीती सी कि दरबार साहब जा के शहीद होवांगे, आप इत्थे ही फतेह बुला चले हो। बाबा जी ने शीश खब्बे हाथ दे धर के वैरियां नाल लोहा लिया अते श्री हरिमंदर साहिब की परिक्रमा विच पहुंच के गुरु साहिब दे चरणां विच शीश भेट कीता अते शहीद हो गए। दर्शन करते हाँ गुरद्वारा रामसर साहिब, पातशाही 5वीं। अते ये पवित्र स्थान गुरद्वारा मंजी साहब है, जिस स्थान पर बैठ के पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब की बाणी का उच्चारण किया। संकट जो न गर्भ ना आयो जपयो